शूवी को कोई किडनैप कर लेता है। वेंशी को लगता है कि ली युआन उसे ले गया, तो वो उसके पास आती है और कहती है कि मेरा शूवी मुझे लौटा दो। ली युआन उसे बताता है कि शूवी उसके पास नहीं है। वेंशी को यकीन नहीं आता। वो ली हाउस से जैसे ही बाहर आती है, तभी उसे मानशू की कॉल आती है और कहती है कि क्या तुम्हें शूवी मिला। वेंशी कहती है कि शूवी को तुमने किडनैप किया। मानशू कहती है कि हाँ, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। वेंशी कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मानशू कहती है ये तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो मुझसे मिलने आ जाओ। याद रखना, किसी को मत बताना वरना तुम शूवी को फिर कभी नहीं देख पाओगी। वेंशी मानशू के पास आती है और पूछती है कि कहाँ है शूवी। मानशू कहती है कि वो यहाँ नहीं है, किसी सेफ प्लेस पर है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं शूवी तुम्हें लौटा दूंगी। वेंशी कहती है क्या चाहती हो तुम। मानशू कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम गायब हो जाओ। वेंशी कहती है तुम मुझे मरवाना चाहती हो। मानशू कहती है कि अरे नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हम तो बहुत अच्छी बहनें हैं, मैं तुम्हें कैसे मरवा सकती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये शहर छोड़ दो और फिर कभी वापस मत आना। वेंशी कहती है ली युआन की वजह से तुम उसे पाने के लिए मुझे इतना हर्ट कर रही हो। मानशू कहती है तुम काफी समझदार हो। सही कहा, ली युआन मेरा है और मैं किसी को भी उसे ले जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वेंशी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मैं उससे नफरत करती हूँ तो उसे तुमसे कैसे छीन सकती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। मानशू कहती है मुझे तुम्हारा प्रॉमिस नहीं चाहिए, जब तक तुम गायब हो तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर तुम वापस आई और शूवी के साथ कुछ भी हुआ तो फिर मुझे ब्लेम मत देना। वेंशी कहती है तुम इस बात की गारंटी कैसे दे सकती हो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे शूवी को छोड़ दोगी। मानशू कहती है कि मुझे गारंटी देने की जरूरत नहीं, और तुम अभी इस पोजीशन में हो ही नहीं कि मुझसे ऐसी बातें करो, तुम बस मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वेंशी कहती है ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा शूवी ठीक है। तो मानशू उसे शूवी से बात करवाती है, जो रोते हुए कहता है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लो। मानशू मोबाइल छीन लेती है और कहती है तो बताओ क्या जवाब है तुम्हारा। वेंशी कहती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मानशू कहती है सही डिसीजन लिया तुमने, अगर तुम वापस ना आती तो मुझे भी ये सब ना करना पड़ता और मैं भी ली युआन की वाइफ होती। तुमने वापस आकर सब बिगाड़ दिया। वेंशी कहती है तुम पागल हो। मानशू कहती है हाँ मैं पागल हूँ, मैं मिस ली बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर उसे टिकट देकर कहती है कि रात को तुम्हारी फ्लाइट है, लैंडिंग के बाद तुम अपने बेटे से मिल सकती हो। वेंशी कहती है कि मैं तुम पर यकीन करके जा रही हूँ, अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। मानशू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, अगर ली युआन की बात ना होती तो मैं तुम्हें कब का मरवा देती। फिर किडनैपर्स को कॉल करके प्लान को फॉलो करने का कहती है। दूसरी तरफ ली युआन शूवी के लिए परेशान है, तभी असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि हमें शूवी का लोकेशन पता चल चुका है। ये सुनकर ली युआन भागते हुए चला जाता है। वेंशी मानशू के कहने पर सिटी छोड़कर जा रही होती है, तभी वहाँ ली युआन आता है। वेंशी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली युआन उसे कार में बैठने के लिए कहता है। वेंशी कहती है जो कहना है जल्दी कहो, मुझे एयरपोर्ट जाना है। ली युआन कहता है एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं, मैं शूवी को बचाने जा रहा हूँ। शूवी को किडनैपर्स ने बांधा हुआ है, वो चिल्लाकर मॉम को बुलाता है तो किडनैपर उसे डराते हुए कहता है कि शोर मचाना बंद करो वरना मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। किडनैपर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ली युआन का असिस्टेंट उसे लात मारकर गिरा देता है। ली युआन वेंशी भी साथ होते हैं। वेंशी भागते हुए शूवी के पास जाती है और उसे बचा कर ले जा रही होती है कि तभी दूसरा किडनैपर वहां आता है। ली युआन उसे देख लेता है और वेंशी को उसे बचने के लिए कहता है, पर किडनैपर वेंशी से शूवी छीन लेता है और कहता है कि दूर रहो। वेंशी कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो उसके पास जाने लगती है तो ली युआन उसे रोकता है और किडनैपर से कहता है कि इसे छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे। किडनैपर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, अगर मैंने इसे छोड़ भी दिया तो जरूर मारा जाऊंगा। अगर तुम इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी शूवी उसके हाथ को काट कर भागते हुए वेंशी के पास जाता है। ली युआन उस किडनैपर को मारने जाता है तो वो किडनैपर उसके हाथ को जख्मी कर देता है।
असिस्टेंट उसे डंडा मारकर बेहोश कर देता है। फैंशी उसके पास जाकर पूछती है कि तुम ठीक हो। लियोन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट लगी है। शूवी ठीक है? फैंशी कहती है तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। लियोन उन्हें असिस्टेंट के हवाले करके फैंशी और शूवी को साथ लेकर चला जाता है। एक बार फिर से बाप बेटी जश्न मना रहे होते हैं। डैड कहता है कि जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ, तुमने फैंशी को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया, अब मिस ली तुम ही होगी। मांशु कहती है मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके ही रहती हूँ। फैंशी यहाँ से जा चुकी है तो मैं किडनैपर्स को कह देती हूँ कि वो शूवी को छोड़ दे। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि कॉल करने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा कॉल नहीं उठाएंगे। ये कहते ही अपने बंदों से कहकर मांशु और उसके डैड को पकड़ कर ली योन के पास ले जाता है। मांशु घुटनों के बल बैठ कर फैंशी से कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, हम अच्छी दोस्तें हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फैंशी कहती है अगर तुमने मुझे हर्ट किया होता तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को हर्ट किया, तुम इतनी घिरी हुई कैसे हो सकती हो। मांशु कहती है मैं पागल हो गई थी और पागलपन में ये सब किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो, फिर कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। तो लियोन कहता है कि 5 साल पहले भी तुम पागल थी। मांशु कह रही है कि वो मेरी गलती थी, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं 5 साल से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो लियोन असिस्टेंट को इशारा करके मांशु को वीडियो दिखाता है जिसमें वो किसी और लड़के के साथ है। उसका ये झूठ भी पकड़ा जाता है कि बच्चा लियोन का नहीं किसी और का है। तो मांशु चिल्लाकर कहती है कि ये वीडियो फेक है, ये मैं नहीं हूँ। तो लियोन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। असिस्टेंट उसे उठाकर ले जाता है। फैंशी लियोन से कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, थैंक यू शूवी को बचाने के लिए, मैं तुम्हारा ये एहसान जल्द ही लौटा दूंगी। लियोन कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। तो फैंशी उसे दूर करके कहती है कि मुझे टच मत करो, इस चक्कर में उसे लग जाती है। फैंशी उसे सॉरी कहती है तो लियोन कहता है देखो तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। फैंशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने शूवी को बचाया। लियोन कहता है कि शूवी मेरा बेटा है और उसे बचाना मेरा फर्ज है, मैं तुम दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। फैंशी कहती है मुझे पता नहीं, मैं आज भी उस रात के बारे में सोचती हूँ। लियोन कहता है कि उस रात मेरे ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, मैं अपने होश खो बैठा था, प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं सच में वो सब नहीं करना चाहता था। फैंशी कहती है कि तुम चाहते थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक वो रात मेरे लिए एक डरावना ख्वाब है। लियोन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो, मैं तुम दोनों को खुश रखूँगा। फैंशी क्या जवाब देगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका सभी ने सही जवाब दिया।